तो जी यहाँ से इंटर होते हैं मेरे लिविंग रूम में, और ये आप देख सकते हैं मेरे लिविंग रूम की सेटिंग। एनिवर्सरी के लिए कुछ सेटिंग की थी तो कुछ चीज़ें इधर उधर हैं, बट दिस इज़ इट। सो यहाँ से स्टार्ट होता है, और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो राइट पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो है वो LED पड़ी है, और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। साथ हमने ये स्पीकर्स जो हैं वो रखे हुए हैं, और ये भी मुझे बहुत पसंद थे। और बस ये छोटी सी मेरी आप देख सकते हैं ये कंसोल है, LED पड़ी है मेरी, ये थी 65 इंच की LED है। साथ हमारा पड़ा है PlayStation 5। उसके अलावा छोटे मोटे जो डेकोरेशंस हैं वो मैंने यहाँ से लिए थे, तो वो आप देख सकते हैं कि वो पड़े हुए हैं। और ये देख लें, ये दो कंट्रोलर पड़े हैं, एक मेरा है एक उमर का है, और अक्सर हम जो है वो खेलते हैं गेम्स वगैरह। और यहाँ हम ढूंढ रहे थे वेडिंग सॉन्ग, कोई अच्छा सा एनिवर्सरी के लिए प्ले करने के लिए। और ये आप देखें कि साथ ही मेरी जो है वो एक पेंटिंग भी लगी हुई है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी, ये भी मेरी बड़ी फेवरेट पेंटिंग है। और फिर आगे आए तो ये लेफ्ट साइड पे मेरा पड़ा है 7-सीटर सोफ़ा, और ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये साथ ही मैंने अपना वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ है, तो सोफ़ा जो है ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ में ये जो कालीन है ये लेके आई थी मैच करके कलर, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सेंटर टेबल में आप देख सकते हैं कि हमने कैंडी बॉक्स रखा हुआ है, क्योंकि उमर जो है वो ये चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। और ये आप देखें कि मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। और उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, ये है मेरी एक और फेवरेट पेंटिंग, और ये भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी इस साइज़ की। और ये देखें, ये पड़ा है यहाँ से, अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं, और ये देखें कैंडी बॉक्स, और ये आप देख सकते हैं कि कर्टन्स वगैरह ये भी मैंने मैच किए थे, और ये भी थोड़े मुश्किल से ही मुझे मैच करके मिल गए थे, बट मिल गए थे। तो यहाँ से देखें, मैं आपको ये सारा व्यू दिखा रही हूँ हर चीज़ का, और साथ साथ आगे चलते जाएंगे तो मैं आपको फिर बताती भी जाऊँगी। वो मेरी एंट्रेंस है मेन जो अंदर से है, और ये जो लेफ्ट डोर आप देख रहे हैं ये मेरी बाहर से घर की मेन एंट्रेंस है, ये लिविंग रूम है, फिर आगे कुछ स्पेस है और आगे और घर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ से चलते हैं। ये लेफ्ट साइड पर मेरा छोटा सा एक स्टैंड पड़ा है फ्लावर का, और इसमें भी मैंने अच्छा सा पॉट लगाया हुआ है, तो अब यहाँ चलते हैं। तो ये देखिए, ये पड़ा है हमारा इनका बड़ा स्पीकर, साथ इसका एक छोटा मैं आपको फ्रंट से व्यू दिखा रही हूँ। और साथ हमारा स्पीकर के ऊपर पड़ा है राउटर और विटामिंस की टैबलेट्स, ये इसके दो पार्ट्स हो रहे हैं। तो यहाँ आते हैं, यहाँ है हमारा जी शू रैक। तो ये शू रैक भी मैंने बहुत प्यारा सा ढूंढ के लिया था। इसके साथ आप ये ऊपर साइकिल देख सकते हैं, ये साइकिल भी मैंने बहुत ही प्यारी सी जो है मुझे मिली थी। ऊपर हमने छोटा सा जो है की होल्डर लगाया हुआ है, और ये आप देखें कि छोटा सा सॉल्ट और पेपर के लिए मैं लेके आई थी एक पीस सा, ये भी मुझे बहुत पसंद था। और मुझे अभी तक समझ नहीं है कि मैं इस साइकिल में और क्या एडजस्ट करूं। और राइट पे आप देख सकते हैं छोटी चेयर पड़ी थी, और स्पीकर वो पड़ा था गिटार, ये मेरी फ्रेंड के बच्चे वगैरह लेके आए थे। तो यहाँ चलते हैं, ये राइट पर जो था ये मेरे घर की मेन एंट्रेंस है, और ये आप देख सकते हैं कि हमने एनिवर्सरी के लिए डेकोरेशन की थी। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं, मैं वीडियो के एंड पर डाल दूँगी, आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो जी ये आप देखें, ये सारा लेफ्ट पे पड़ा है 7-सीटर मेरा सोफ़ा, और ये जो डेकोरेशन है ये हमने की थी डाइनिंग टेबल पर, तो दैट्स वाई डाइनिंग टेबल यहाँ पे सेट नहीं पड़ा। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि डाइनिंग जो है वो किस तरह हमने सेट करके रखा हुआ। खैर ये की थी हमने छोटी मोटी डेकोरेशन की थी, साथ ये जो फ्लावर प्लांट्स कह सकते हैं इस टाइप का, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। और ये देखें, ये हमने टेबल डेकोर किया था, गिफ्ट्स वगैरह थे, और गोप्रो भी पड़ा है आप देख सकते हैं, ये मेरा गोप्रो जो कि केक में गिर गया था अनकरीब, तो खैर गोप्रो भी पड़ा है। और कभी मैं आपके साथ गोप्रो के भी सीन्स जो हैं वो शेयर करूँगी, अभी मैंने कोई इतना खास उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया, जस्ट अभी परचेज़ किया है कुछ टाइम पहले,
तो खैर ये देखें, अब यहाँ पे जो है वो सारी, अभी केक हम नहीं लेके आए थे फ्रिज से क्योंकि अभी मेरे जो गेस्ट हैं सारे तकरीबन वो नहीं आए थे, मतलब एक फ्रेंड की फैमिली आ गई थी और एक फ्रेंड और उसकी फैमिली रह गई थी। तो फिर हमने कहा सारे आ जाएं तो चलें केक कटिंग जो है वो फिर तब स्टार्ट करते हैं। तब तक मैंने कहा आप लोगों के साथ क्यों ना मैं अपने लिविंग रूम का जो सारी सेटिंग है या लिविंग रूम है वो शेयर करूँ। तो यहाँ से ही देखें ये राइट वॉल पर ये एक मेरी बड़ी प्यारी सी जो है वो पेंटिंग है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी। तो ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया क्योंकि मुझे इससे अच्छी जगह इसकी नहीं मिली, और ये बहुत 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 ही खूबसूरत पेंटिंग है। एक पेंटिंग मेरी इस वॉल पे भी लगी हुई थी बट ये मैंने उतारी क्योंकि मुझे यहाँ डेकोरेशन करनी थी। तो फिर कभी लगा के जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग में तो लाजमी करूँगी। तो खैर बस अब ये देखें ये है सारी जो मेरी छोटा सा मेरा लिविंग रूम है, ये उसकी आपको मैंने दिखा दी सारी। मैं 1 BHK में रहती हूँ तो ये लिविंग रूम है, फिर पीछे और रूम है और किचन है। तो खैर ये फिर वापस डोर पे आ गए और डिस्पेंसर आप देख सकते हैं, साथ सोफ़ा, साथ वो साइड पे मेरा एक करते हैं कि आपको मैं एक दफ़ा लाइट जो है वो ऑफ करके और फिर दिखाती हूँ। ये डेकोरेशन बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत लग रही है और सारा कमरा जो है वो ब्राइट हो गया है। और बस आप ये देखें एक दफ़ा, मैंने कहा चलें दोबारा मैं ये करवा दूँ आपको टूर। और फिर ये सारी जो है वो बीच में डेकोरेशन भी आ गई और ये देखें इतना अच्छा, मतलब ये बहुत 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 ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो अभी टर्न करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पूरा जो हमारा लिविंग रूम है। सेटिंग बेसिकली मैंने ऐसी की हुई है, लेफ़्ट साइड पे जो है वो मैंने एक 7-सीटर सोफ़ा रखा है और राइट साइड पे एंटर होते ही बाय मेन से तो मैंने 6-सीटर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। तो ये फिर सामने आप देख सकते हैं कि मेरा जो TV कंसोल है ये हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और जो मेरे स्पीकर्स थे वो भी मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए हैं। और उसके अलावा जो डेकोरेशंस हैं वो फिर हमारे इधर पास एक मॉल था, हमने वहाँ से जो है वो मैंने सारी परचेज़ किया। बट और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।